देखिए, अब हम क्रोनल पल्प के बारे में देखेंगे। हमने कल देखा था क्रोनल पल्प क्या होता है। जो क्राउन पोर्शन में पल्प प्रेजेंट होता है उसको हम क्रोनल पल्प बोलते हैं। अब क्रोनल पल्प की 6 सरफेसेस होती हैं, मीजियल, डिस्टल, लेबियल, इसके पीछे लिंगुअल होगी, ओक्लूजन एंड फ्लोर। ठीक है, जैसे हमारे टूथ में होती है वैसे क्रोनल पल्प की 6 सरफेसेस होती हैं। आगे इसमें हम देखेंगे क्रोनल पल्प में पल्प हॉर्न होते हैं। अब ये क्या होता है, जो कस्प होती है ना टूथ की, उसके अंदर पल्प क्या होता है, एक्सटेंड हो जाता है और हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, उसको हम पल्प हॉर्न बोलते हैं। प्रोट्यूजन ऑफ पल्प इनटू द कस्प ऑफ द टीथ इज नोन एज पल्प हॉर्न। तो अब यहाँ पे देखिए दो कस्प हैं, तो यहाँ पे दो पल्प हॉर्न बन रहे हैं। वैसे ही टीथ के अंदर जितने कस्प होंगे उतने ही पल्प हॉर्न बनेंगे। तो एक सिंपल फॉर्मूला है, नंबर ऑफ हॉर्न्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ कस्प। आगे देखिए, पल्प के चारों ओर डेंटिन की डिपोजिशन रहती है हमेशा, तो इस वजह से डेंटिन क्या है, पूरी थ्रू आउट द लाइफ क्या करता है, ग्रो करता रहता है और पल्प चेम्बर क्या है, श्रिंक होता रहता है। तो कंटिन्यूस डिपोजिशन ऑफ डेंटिन पल्प बिकम स्मॉलर विद द एज। और ओल्ड एज में क्या होता है, ये इतना कम हो जाता है कि टूथ को सफिशेंटली न्यूट्रिशन नहीं मिलता और वो सारे गिर जाते हैं। चलिए अब देखते हैं रेडिकुलर पल्प।